अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो है एक ओल्ड पेशेंट या फॉलो अप क्लाइंट को की एंट्री देख लेते हैं कि उसको हमने एंटर कैसे करना है, या अगर वो मेथड चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने उसको अदर मेथड पे कैसे डालना है। इसमें भी सबसे पहले हम CNIC एंटर करेंगे। तो हम सर्च कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फॉलो अप क्लाइंट है। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट के बाद आपके पास डैशबोर्ड पे ये डिफरेंट खुल गए हैं कैटेगरीज़। इसमें आप फैमिली प्लानिंग को क्लिक करें। फैमिली प्लानिंग क्लिक करने के बाद आप क्लाइंट हिस्ट्री फॉर्म ओपन करेंगे। चूँकि ये हमारा ओल्ड क्लाइंट है सो इसकी ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, सो हम इसको सेव एंड क्लोज़ कर देंगे। इसी तरह जो उसके वाइटल्स वगैरह होंगे आज के वो हम डाल देंगे। तो वापस जा रही हूँ, देन काउंसलिंग एंड सर्विस प्रोविजन, इस पे डायरेक्ट आ जाते हैं। डिड यू काउंसल द पेशेंट फॉर, क्योंकि ये सारी ऑलरेडी एंट्रीज आ रही हैं, उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कॉम्प्लिकेशन में हम एंड कर देते हैं। इचिंग, वैसे ये मैं भी पहली दफ़ा कर रही हूँ, लेकिन इसको करके देते हैं। वो इसमें वो कह रहे हैं कॉम्प्लिकेशन में डाटा नॉट फाउंड। ओके, सेटिस्फाइड विद करंट मेथड। मुझे इसका बल्ब जलाना ही पड़ेगा। ओके, नहीं जल रहा था। सेटिस्फाइड विद करंट मेथड हम इसको कर लेते हैं। हम क्योंकि हम स्विच करना चाह रहे हैं, नो पे जाएंगे। अच्छा, जनरल रीज़न में वो पूछेंगे। जनरल रीज़न में हम बता देंगे जो भी क्लाइंट को इशू होगा। मैं इचिंग पे डाल रही हूँ। कंटिन्यू विद सेम में आएंगे, नो। ओके, मेथड अडॉप्ट स्टार्ट डेट जो भी डेट होगी हम इसको ले जाते हैं। ये कब की है? 31/8, 31/8 स्टार्ट डेट है इनकी। ठीक है, मेथड अडॉप्टेड एंड एंड डेट एंड, आज वो 15 नवंबर को एंड कर रही हैं। रीज़न फॉर रिमूवल, वांट टू कंसीव ड्यू टू सम साइड इफेक्ट, स्विच मेथड। स्विच मेथड हम स्विच कर रहे हैं ना, किसी अदर मेथड। अच्छा, मेथड स्विच्ड, हमने उसको किस मेथड पे स्विच किया, कौन सा हमने उनको दूसरा। अब इसको ऑरल जो हम कॉन्ट्रासेप्शन दे रहे हैं, COC पिल्स दे देते हैं। अब इसको क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी में हम एक डालेंगे क्योंकि ये पूरा साइकिल दिया जाता है। फॉलो अप डेट, फॉलो अप डेट आज 15 से हम इसको बुला लेंगे नेक्स्ट। अमूमन क्लाइंट का साइकिल जो है होता है 24 से 28 के दरमियान, इतना होता है। किसी का 30+ भी हो जाता है, किसी का पहले आ जाता है। तो ये जब तक खा रहे, 21 दिन के बाद किसी टाइम भी इनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो हम इनको बुला रहे हैं 15 दिन।